अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। ये तो सबको पता होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल काबिल ने अपने भाई को किया और उसकी वजह एक आप कह सकते हैं जेलेसी, क्योंकि काबिल भी उसी लड़की से शादी करना चाहता था और हाबील भी उसी लड़की से शादी करना चाहता था। होता ये था कि आदम और हव्वा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की, और उसके बाद जो है वो जो दूसरा जोड़ा पैदा होता था तो उनमें से एक लड़की की शादी पहले वाले लड़के के साथ और पहली वाली लड़की की शादी दूसरे लड़के के साथ जो है वो की जाती थी। लेकिन काबिल की ये ख्वाहिश थी कि उसकी शादी उसी लड़की के साथ की जाए जो उसके साथ जुड़वा पैदा हुई है। दोनों ने अल्लाह ताला के हजूर नजराना पेश किया या मन्नत मानी और हाबील की मन्नत कबूल हो गई और काबिल की मन्नत रह गई, लिहाजा उसने काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब सूरत ये कि चूँकि ये पहला कत्ल था, उसे नहीं पता था कि अब ये जिसको मैंने कत्ल कर दिया है इसका करूँ क्या, तो कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा और उस कव्वे ने ज़मीन खोदी अपनी चोंच से और काबिल के सामने, ताकि काबिल को पता चले कि ज़मीन कैसे खोदी जाती है। और फिर ये भी कहा जाता है कि कव्वे की चोंच में कुछ चीज़ थी जो उसने उस ज़मीन में मतलब उस गढ़े में दफन की और उसके बाद उस गढ़े को अपने पंजों से बराबर कर दिया। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि उसने इंसान को ये सिखाया कि आपने मरे हुए शख्स के साथ या मरी हुई चीज़ के साथ क्या करना है। फिर जाहिर सी बात है दुनिया का आगाज़ हो गया, आबादी का आगाज़ हो गया और लोगों ने जो मुख्तलिफ मज़ाहिब थे उनमें अपने मुर्दों के साथ उन्हें दफन करने का या उनके आखिरी रसूमात करने का अपना अपना अंदाज़ जो है वो अपना लिया। हिंदुओं में मुर्दे को जलाया जाता है, चिता जलाई जाती है, सिखों में भी जो है वो मुर्दे को जलाया जाता है, पारसी टावर ऑफ साइलेंस पर अपने मुर्दों को छोड़ाते हैं और वहाँ वो जो है वो चील कबों की ग़िज़ा बन जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब में उन्हें पानी में फेंक दिया जाता था। मैं इस वक्त जो है वो कैलाश में वादी बम्बोरत में खड़ा हूँ और ये जो है उनका कब्रिस्तान है और ये बड़ा अजीबोगरीब कब्रिस्तान है। मतलब जो कैलाशी हैं वो हैं तो गैर मुस्लिम, उनके यहाँ लेकिन मुर्दे जलाने की रस्म जो है वो कदीम दौर में नहीं थी। ये जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये 500-600 साल कदीम कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान क्या है, बल्कि ये लोग ये किया करते थे कि जिस चारपाई पर अपने मुर्दे को लाया करते थे उस चारपाई को फिर वो वापस घर नहीं ले जाते थे। इसी तरह जो है वो अपने मुर्दे जो जब कोई शख्स मर जाता था तो उसकी मौत पर जो है वो खुशियां आज भी मनाते हैं, तब भी मनाते थे, बाकायदा हवाई फायरिंग किया करते थे, 40-50 बकरे जो है वो ज़िबह करते थे मतलब किसी की मौत पर। इसलिए ये कहा जाता है कि कलाशियों के यहाँ दो तीन काम बहुत मुश्किल हैं जिनमें से एक मुश्किल काम जो है वो मरना भी है, क्योंकि मरने पर जो है वो आज के दौर में अगर 30-40 बकरे जो है वो ज़िबह किए जाएँ या हलाल किए जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि कम अज़ कम 10 से 15 लाख रुपये का ख़र्चा है। इसी तरह शादी है, इसी तरह और उनकी जो रस्म और रिवाज है। तो पहले मैं आपको ये कब्रिस्तान दिखाता हूँ और वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि जो है वो यहीं छोड़ जाया करते थे। ये कुछ जो है वो चारपाइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने बताया कि ये लोग जो है वो जिस चारपाई पर मुर्दे को लाया करते थे वो चारपाई अपने घर वापस नहीं ले जाते थे। सिर्फ चारपाई नहीं बल्कि वो उसका पूरा बिस्तर साथ लाया करते थे और बिस्तर के साथ साथ जो है वो कहते हैं कि शहद, पनीर, खाने का सामान और एक अदद बंदूक। हवाई फायरिंग करते थे, वो ये कहते थे कि जब मरने के बाद फरिश्ता तुमसे पूछगिछ करने के लिए आए तो सबसे पहले उसे शहद पेश करना ताकि जो है वो तुम्हारी बात को तवज्जो से सुने और तुम्हें कुछ ना कहे। फिर जो है वो अगर वो शहद पर ना माने तो फिर उसे पनीर की रिश्वत देना, और अगर वो पनीर पर भी ना माने यानी किसी भी चीज़ पर ना माने तो फिर तुम फायर कर देना। तो वो बंदूक जो है वो मतलब साथ रखा करते थे, हवाई फायरिंग तो वो करते ही करते थे। एक बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ एक जहाँ से ये 15 किलोमीटर दूर है अयून का कस्बा,
मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, वो मुसलमानों का कस्बा है, ये जो है वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं, इनमें कोई मुसलमान नहीं है। तो कहते हैं कि आयोन का एक शख्स था, उसे चोरी की आदत थी और वो ख़ास तौर पर जो है वो ये कलाशियों के कब्रिस्तान आया करता था। ये कराकाल जगह है, कराकाल में ये कब्रिस्तान है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो वो यहाँ आके बंदूकें जो है वो चुरा लिया करता था। तो कैलाशियों के ज़ाहिर सी बात है उन्हें बुरा लगता था कि जो हम जो है वो मुर्दे के साथ बंदूक रख कर आते हैं फरिश्ते को मारने के लिए, तो ये मुसलमान आके हमारी बंदूकें जो है वो चुरा लेते हैं। तो एक जो है वो जो बंदा था बूढ़ा था, उसने अपने बेटे को ये वसीयत की कि जब मैं मरूँ तो मेरे साथ जो है वो एक जो है वो बंदूक दफन करना, गैर मुल्की बंदूक, कहते हैं जर्मन बंदूक, कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो इंग्लिश बंदूक थी यानी बरतानिया की बनी हुई बंदूक थी, वो दफन कर देना मैं देख लूँगा, और तुम जो है वो मेरा हाथ उसके ट्रैगर पर जो है मेरी उंगली जो है वो उसके ट्रैगर पर रख देना, तो फिर देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं कि उसी रात वो बंदा जो आयून का आदमी था जो चोरी चकारी करता था, वो जब आया तो अपना बंदूक जब उसने खींची तो साथ ज़ाहिर सी बात है उसकी उंगली जो है वो ट्रैगर पर थी, वो ट्रैगर जो है वो दब गया और वो गोली उस बंदे के सीने में लगी और वो मर गया। तो ये बड़ी दिलचस्प सी एक आपको ये कहानी महसूस होगी कि शायद मैंने आपको कोई कहानी सुनाई है, लेकिन ये कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जो मैंने आपको बताई। ये जगह जगह आपको ये फट्टे नज़र आ रहे होंगे, ये बड़ा घना इलाका है, दरख्त हैं यहाँ, और वो दरख्त भी मैं दिखाता हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना दरख्त है, और फिर जो है वो इनके ताबूत दिखाता हूँ। जो ये जनाब इसका एक व्यू है, ये दरख्तों में घिरा हुआ चारों तरफ से, पहले जो है वो यहाँ जो है वो ये जंगले वगैरह नहीं लगे हुए थे लकड़ी के, लेकिन बाद में जो है वो चूँकि मुसलमान आके इनके साथ मतलब छेड़छाड़ करते थे, तो फिर ये चारों तरफ इसके जंगले लगा दिए गए। आइए उस ये अच्छा बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ी इलाका है, बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है यहाँ का। वैसे तो ये 22 किलोमीटर दूर है चित्राल से, लेकिन आने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। कोई मोबाइल सर्विस काम नहीं करती, तो यहाँ बाकायदा जो है वो बड़ी महारत वाले ड्राइवर ही गाड़ियाँ चला सकते हैं, वरना पास जगहों पर सड़कें ऐसी हैं, मतलब सड़कें क्या बल्कि पगडंडी हैं, कच्ची सड़क है, बाज़ जगहों पर जो है वो कच्ची सड़क ऐसी है कि सिर्फ जो है वो उसके टायर ही पूरे आते हैं। ये देखें ये जगह जगह चारपाइयाँ जो है वो रखी हुई हैं। फिर जब ये हुआ कि जो है वो मुर्दे वो खुले छोड़ते थे, उनकी हड्डियाँ गल सड़ जाती थी, डीकम्पोज जब जिस्म होना शुरू हो जाता है तो फिर उनमें से बदबू आती थी, साथ आबादियाँ थीं, मतलब ये इसके साथ अब भी आबादी है, वो बू जब घरों में जाती थी तो लोगों को नागवार गुजरती थी। तो अब जो है वो कुछ अरसे से, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 साल पहले से या 50 साल पहले से, अब ये मुर्दों को दफन करने लग गए हैं। ये देखें ये चारपाई का एक पाया, ये इस तरह जो है वो रह गए हैं, कब्रिस्तान के अंदर आने नहीं देते, लेकिन ये कि हम जंगले फलांग के जो है वो आ गए हैं। ये एक वो दरख्त है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि जी बहुत कदीम दरख्त है, कम अज़ कम कोई 500-700 साल कदीम दरख्त है, ये एक दरख्त वो है। इसके दो हिस्से हैं, दरमियान में रास्ता है, ये एक हिस्सा है जहाँ चारपाइयाँ पड़ी हैं, दूसरे हिस्से में ताबूत हैं, ताबूतों में भी जो है वो मुर्दों को यहाँ खुला छोड़ जाया करते थे, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ताबूत ही की शक्ल थी मेरा ख्याल है, अब तो ये लकड़ी ही रह गई है, लेकिन ये किसी ज़माने में ताबूत ही होगा, अंदर इसके कुछ नहीं है, अब तो खाली पत्थर ही हैं, लेकिन ये कि एक ज़माना ये था, कोई आज से कोई कुछ 100 साल पहले के यहाँ खोपड़ियाँ और हड्डियाँ, इंसानी हड्डियाँ वो भी नज़र आती थीं। तो आइए इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं और इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ टूटे फूटे ताबूत रखे हुए हैं। कब्रिस्तान के दाखिली रास्ते पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है और इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, मडू जाओ दूर ग्रेव यार्ड। इस पर लिखा हुआ है कालाशा तहजीब में फौतगी के वक्त मुनफ़िद रसूमात अदा की जाती हैं, कालाशा लोग फौतगी का जश्न मनाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि रुखसत होने वाली रूह अपने खालिक की तरफ लौट रही है। कालाशा लोगों का यकीन है कि ज़िंदगी आरती है, मौत के बाद एक और ज़िंदगी भी है। कालाशा लोग रूह का दिन मंदीक के नाम से मनाते हैं, उनका ख्याल है कि रुखसत होने वाली रूहें हमेशा ज़िंदा हैं। नीचे लिखा हुआ है कि सयाहों से दरख्वास्त है कि वो मकामी तहजीबों और सकाफत का एहतराम करें,
और ये कब्रिस्तान का दाखिली रास्ता, छोटा सा एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा मुअल्लक पुल, इस पर से गुज़र के कब्रिस्तान इसके आगे है। तो ये रास्ता है कब्रिस्तान का। ये है अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा, जगह जगह जो है वो आपको इस तरह के चश्मों से बहता हुआ पानी वाफर मकदार में नज़र आएगा। हम शहरों में पानी को तरसते हैं और यहाँ ये पानी इस तरह बहता भी है, ज़ाया भी होता है और इसकी कदर भी नहीं की जाती। बहरहाल ये कब्रिस्तान का जो है वो रास्ता दिखाना था मुझे। ये वही जो मुश्किल सा नाम, मैं तो इसको कराकाल का कब्रिस्तान ही कहता हूँ क्योंकि कराकाल निस्बतन आसान नाम है और इस गाँव का नाम भी कराकाल है। कब्रिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ये दरमियान में एक वॉकवे बनाया गया है लकड़ी का, और ताकि जो है वो लोग आएँ और इन ताबूतों की ज़्यारत कर लें, मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। एक चार दीवारी बनी हुई है, वो चार दीवारी भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इसका दाखिली रास्ता जो है इस कब्रिस्तान का। तो आइए वो दाखिली रास्ता देखते हैं और फिर मैं आपको वो ताबूत भी दिखाता हूँ जो अब भी जगह जगह बिखरे पड़े हैं। ये जनाब अपना ये कब्रिस्तान का दाखिली दरवाज़ा, इसके ऊपर लिखा हुआ है अशपाता एंड वेलकम, यानी अशपाता जो है ना वो आप वेलकम को कह सकते हैं। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने के बाद सिर्फ तस्वीर कशी की इजाज़त है, इसके अलावा किसी चीज़ को छूना सख्ती से मना है। कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें वरना आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये जनाब ये एक वार्निंग लिखी हुई है, हम मुसलमान इन वार्निंग्स की परवाह नहीं करते, आपको पता ही है जो हम हशर करते हैं। और ये मेरी बातों का सबूत कि हम किसी जगह को नहीं बख्शते, हमने मस्जिदों में अब जो है वो अपने नाम लिख के छोड़े हुए हैं। ये जनाब कब्रिस्तान का दूसरा हिस्सा, ये वो तो सेंट्रल वॉकवे था, ये जो है वो चारों तरफ जो है वो उन्होंने वॉकवे बनाया हुआ था कि लोग जो है वो अंदर जाकर ताबूतों से छेड़छाड़ ना करें। है कुछ नहीं उनमें, खाली हैं, लेकिन बहरहाल जो है वो हम जो है वो छेड़छाड़ करते हैं चीज़ों के साथ ही, ये हमारी फितरत का हिस्सा है, हम मुसलमानों की फितरत का हिस्सा है। ये आपको ताबूतों की बाकियात नज़र आ रही होंगी, बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे होंगे। ये जनाब ये सारा वही है। यहाँ कोई रास्ता है तो सही अंदर जाने का, मेरा ख़्याल है कि वो दूसरी तरफ से है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको करीब से भी जो है वो जगह दिखा दूँ, और मतलब वो ताबूत जो है वो करीब से दिखा दूँ। इधर से रास्ता नहीं है, आइए जो है वो दूसरी तरफ से चलते हैं और चल के जो है वो देखते हैं। ये चोर रास्ता अंदर आने के लिए जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, छोड़ा हुआ खुद से, ये वही चारपाइयाँ। और ये जनाब उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ ताबूत हैं। ये एक और चारपाई देखे साथ तकिए भी रखा हुआ है आराम करने के लिए, अल्लाह जाने कितनी पुरानी चारपाई है। बाहर लिखा हुआ है कि जी आप इनको हाथ ना लगाएं, तो हमने हाथ नहीं लगाना इन्हें, लेकिन आपको दूर से दिखाएंगे ताकि आपको पता चले। ये बेसिकली टूरिस्ट एरिया है और लोग जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। ये जनाब वो ताबूत आपको नज़र आ रहे होंगे जो एक ज़माने में वो लोग छोड़ जाया करते थे, और ये तवक्को रखते थे कि जब जो है वो फरिश्ते साहब आएंगे और हमारे मरने वालों से जो है वो पूछताछ करेंगे, आमाल का हिसाब देंगे, तो पहले उन्हें शहद पनीर और रोटी छोटी का पूछेंगे, वो खाने का पूछेंगे, और अगर वो नहीं मानेगा तो फिर जो है वो उसकी तवाज़ो बंदूक की गोली से की जाएगी। तो अजीबोगरीब रिवाज से ये मैं बिल्कुल दरमियान में हूँ, अल्लाह जाने कितने लोग यहाँ कल सड़ गए और कितने लोग जो है वो चील कबे खा गए, कितनी लाशें बेहिसाब हैं। कैलाश में जो है वो आजकल बहुत परेशान है कैलाशी, और उनकी परेशानी की एक बुनियादी वजह ये है कि एक ज़माने में उनकी आबादी 7 से 10 हज़ार के लगभग थी,
और अब उनकी आबादी घटकर 4 से 5 हज़ार रह गई है। और उसकी वजह यह है कि वो मुसलमान जो कभी इस वादी में आना पसंद नहीं करते थे, अब उनकी आबादी यहाँ 19-20 हज़ार है। जगह जगह मदरसे खुल गए हैं, मस्जिदें बना ली हैं और तबलीग होती है। तो कैलाशी चूँकि गैर मुस्लिम है, वो कई खुदाओं की परस्तिश करते हैं, एक खुदा को नहीं मानते बल्कि कई खुदाओं की परस्तिश करते हैं। लिहाजा वो अपने आबादी में कमी और जिस तरह हम मुसलमान भाई अक़लियतें वैसे भी जो है वो हमेशा शिकार रहती हैं एहसास महरूमी का, तो हम उन्हें मज़ीद एहसास महरूमी का शिकार कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम में जबर नहीं है, कहीं भी तलवार से इस्लाम नहीं फैला। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान फातहीन ने तलवारों के बलबूते पर जो है वो दुनिया फतह की, लेकिन इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं फैला। तो अगर यहाँ के रहने वाले जिन्होंने यहाँ मदरसे बना लिए हैं, जो तबलीग कर रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो किसी को मुसलमान किया जा सकता है, तो ये उनकी भूल है, ज़्यादती है। ये नहीं होना चाहिए। ये वो दूसरा दरख्त जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दरख्त भी सदियों पुराना है। कुछ कहते हैं 400 साल पुराना है, कुछ कहते हैं 500 साल पुराना है, लेकिन बहरहाल कदीम दरख्त है। और इस दरख्त के नीचे मैं खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ जो है वो ताबूत हैं जिनमें कभी हम मुर्दे हुआ करते थे। और मैं जो है वो एक ताबूत की लकड़ी के ऊपर खड़ा हूँ, मतलब जो उसका तख्ता है, मेरे पैरों के नीचे वो तख्ता है। और मैं ये तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कोई पुरानी हड्डी वगैरह मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन ऐसा सिलसिला है नहीं। मतलब वो हड्डियाँ वगैरह जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, बस यही चीज़ें रह गई हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, जो ताबूत जो है वो खाली ताबूत, टूटे हुए ताबूत जिनको कहना चाहिए, क्योंकि इनमें अब कुछ बाकी नहीं रह गया। ये एक मुझे नज़र आया है जी, एक पिंजरा सा बना हुआ है और इसमें बाकायदा संगमरमर की एक तख्ती भी लगी हुई है, जोर्डी फ्रेडरिको मगरेनर है, ये मगरेनर है और ये 6/12/1958 को पैदा हुए और 2/8/2002 को इनका इंतकाल हुआ। ये स्पेनिश थे, जोलोजिस्ट। ये एक इसी कब्रिस्तान में एक वाहिद चीज़ नज़र आई है मुझे जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ है, वरना बाकी सब कुछ बेनाम है। एक और चारपाई जो इस आस में जो है वो छोड़ गए थे, क्योंकि ये इनका अकीदा है हमारी तरह कि ज़िंदगी आर्जी है और असल ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होनी है। बेशक वो बहुत से खुदाओं को मानते हैं, लेकिन उनका अकीदा यही है। ये तय है कि हर ज़ी रूह ने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो भी चीज़ बनाई है उसने फना होना है, ख़त्म होना है। कुछ अर्सा पहले एक कब्रिस्तान गया था, करसाल का एक कब्रिस्तान था जिसकी कब्रों पर निशान भी नहीं, कोई नाम नहीं था, यानी बेनाम और निशान कब्रें थी। कुछ लोग उसके बारे में कहते थे जिन्नात का कब्रिस्तान है, कुछ लोग कहते थे कि जी अल्लाह जाने कोई वबा फैली थी जिसकी वजह से लोग मर गए और बहुत सारे लोग अजीब से नक्शों नगार बने हुए थे उन कब्रों पर। तो मेरे चारों तरफ जो है मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मेरे चारों तरफ जो है वो ये बिखरे हुए हैं ताबूतों की लकड़ियाँ, और मैं उन लकड़ियों के ऐन दरमियान में एक पत्थर के ऊपर जो है वो बैठ कर आपसे बात कर रहा हूँ। आज भी वही बात करूँगा कि ये खाली लकड़ी के ढांचे ही कहूँगा मैं, या खोखे कह लें या लकड़ी के डब्बे कह लें, किसी ज़माने में ये इनकी तज़ीम की जाती थी
और आज इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। मैंने रावलपिंडी में एक पारसियों कब्रिस्तान का भी विलाग किया था और उन पर भी फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पारसी रावलपिंडी छोड़कर चले गए। और आज मैं रावलपिंडी से कम कोई 7-750 किलोमीटर दूर वादी कैलाश के कब्रिस्तान में कराकाल जिसका नाम है, वहाँ बैठकर भी यही बात कर रहा हूँ कि कल तक ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने वाले लोग आज उनका नामो निशान तो क्या, उनकी हड्डियाँ भी बाकी नहीं बची। और जिन लकड़ी के ताबूतों में उन्हें दफनाया जाता था, वो लकड़ी के ताबूत भी टूट फूट का शिकार हैं। कुछ साल पहले तक ये ताबूत सलामत थे, आज ये कुछ ज़मीन में धस गए हैं और कुछ टूट फूट गए हैं, और कुछ पता नहीं कि जब अगली दफ़ा मैं आऊं या मतलब कोई शख्स और व्लॉग करने के लिए आए तो ये ताबूत भी यहाँ रहें या ना रहें। इसलिए हमें किसी भी मज़हब की तोहीन करते हुए या मज़हब उसका मजाक उड़ाते हुए या मतलब ये कि उनकी रसूमात का मज़हका उड़ाते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हम उनके साथ करेंगे वही ये दुनिया हमारे साथ करेगी। तो ये जैसे को तैसा, ये दुनिया टिट फॉर टैट जैसे को तैसा पर अमल करती है। इसलिए मेरा मशवरा है, बाहर लिख कर भी लगाया हुआ है कि मतलब किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, किसी चीज़ की तोहीन ना करें। तोहीन मैंने भी नहीं की, खुदा ना खास्ता मैंने किसी चीज़ को जो है वो मतलब उसकी बेहरमती नहीं की, क्योंकि बहरहाल जाने वाले इंसान थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैलाशी थे, गैर मुस्लिम थे, कई खुदाओं को मानते थे। मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि वो इंसान थे, और जब इंसान मर जाता है तो ना तो उसकी बुराई करनी चाहिए और ना उसकी खामियों को याद करना चाहिए, बल्कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमाए। अगर उसने कोई ज़िंदगी में कोई नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसे उसकी जज़ाए अता फरमाए, ताकि लोग हमारे लिए दुआ कर सकें। हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। मैं आज भी यही कहूँगा इस कब्रिस्तान के ऐन दरमियान में बैठकर कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि दुआएं अब तक साथ चलती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।